कि हम मोहब्बत करना भी जानते हैं, हम मोहब्बत करना भी जानते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं, हम मोहब्बत करना भी जानते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं, तुझे पाने की चाहत में हम सब कुछ लुटाना भी जानते हैं, तुम्हें पाने की चाहत में सब कुछ लुटाना भी जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित सिंह और ये आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन सुनिए, 5290 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है 5920 किलोमीटर। चलिए अब इसको विस्तार से समझाते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने राजस्थान का मानचित्र है और ये आपको पता है कि राजस्थान जो है इसके चारों तरफ कहीं पर भी समुद्र नहीं है, पूरा का पूरा जो है बॉर्डर स्थलीय लगता है। तो राजस्थान की चारों तरफ से जो सीमा है वो स्थलीय सीमा है और इसकी कुल जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह याद रखना। अब ये किस प्रकार से देखिए, इसमें 1070 किलोमीटर लंबी जो है वो तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे देश के साथ लगती है। तो अपने राजस्थान की जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लगी हुई है इधर, इसलिए ये जो बॉर्डर है ये कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और 4850 किलोमीटर है वो है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब है कि एक राज्य का बॉर्डर दूसरे राज्य से लगता है, उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है यहां तक बाड़मेर के इस कोने तक शाहगढ़ तक ये भारत के अन्य राज्यों के बॉर्डर को स्पर्श करता है, इसलिए ये हो गया अंतर्राज्यीय सीमा और ये है 4850 किलोमीटर। तो अच्छी तरह सुनिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन सुनिए, 1070 वर्ग मीटर, 1070 किलोमीटर, 5920 वर्ग मीटर या 5290 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1070 किलोमीटर। अब दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न है कि रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा का मतलब क्या है दोस्तों, राजस्थान की ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो मैंने अभी बताया 1070 किलोमीटर है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये आप अच्छी तरह याद रखना कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके नाम से जानी जाती है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है और इसकी लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर। और ये कहां से स्टार्ट है, ये देखिए गंगानगर जो जिला है, गंगानगर जिले का जो स्थान है हिंदुमलकोट, गंगानगर जिले का स्थान है हिंदुमलकोट, वहां से स्टार्ट होकर के और फिर बाड़मेर का शाहगढ़ जो क्षेत्र है, बाड़मेर का शाहगढ़ जो क्षेत्र है वहां तक के राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है और ये बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। और इस बॉर्डर पर राजस्थान के चार जिले स्थित है, गंगानगर,
बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। मानचित्र की सहायता से आप इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं, ऑप्शन सुनिए 4, 2, 6 या फिर 5। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर राजस्थान के 4 जिले स्थित है। ठीक है, कौन कौन से जिले स्थित है देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये प्रश्न भी आरपीएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आरपीएससी के द्वारा पूछी जाती है वो क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ये जो जिले हैं इनको आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ये जो जिले हैं इनमें से किस जिले की सीमा कम है, फिर उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है, इस प्रकार से भी ये प्रश्न परीक्षा केंद्र पूछे गए हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर अपन आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो जिला आएगा वो आएगा बीकानेर, बीकानेर, उसके बाद में गंगानगर, उसके बाद में बाड़मेर, और इसके बाद में जैसलमेर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ये जो 4 जिले हैं ये आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। मतलब सबसे कम बॉर्डर जो है बीकानेर का लगता है, उससे ज्यादा गंगानगर का लगता है, उससे ज्यादा बाड़मेर का लगता है, और सबसे ज्यादा जैसलमेर का लगता है। तो ये हो गया आरोही क्रम। अब एग्जाम में इनका उल्टा भी पूछा गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं इनको अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में आप जब लिखेंगे आप तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले एक नंबर पर ये आएगा, फिर ये 2 नंबर पर, फिर ये 3 नंबर पर लिखा जाएगा, और ये 4 नंबर पर लिखा जाएगा। इस प्रकार से इनका उल्टा क्रम हो जाएगा। जैसे जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर, और फिर बीकानेर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले जो हैं इनका हो गया अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर लगता है वो जैसलमेर का लगता है, फिर उससे कम बाड़मेर का लगता है, फिर उससे कम गंगानगर का लगता है, और सबसे कम बीकानेर का लगता है। तो ये आपको अच्छी तरह याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम मैंने आपको अच्छी तरह बताया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम है। ऑप्शन सुनिए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर गंगानगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बीकानेर। दोस्तों जैसलमेर जो है इसकी सीमा है 464 किलोमीटर। जैसलमेर का अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर लगता है वो है 464 किलोमीटर। उसके बाद में आता है आपके
बाड़मेर। बाड़मेर का देखिए 228 किलोमीटर। बाड़मेर का जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लगता है वो लगता है जो 228 किलोमीटर। उसके बाद में आइए गंगानगर। गंगानगर का जो बॉर्डर लगता है वो लगता है 210 किलोमीटर। और उसके बाद में आइए बीकानेर। बीकानेर का जो बॉर्डर लगता है ये 168 किलोमीटर। ये मैंने चारों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर लगता है ये आपके सामने लिख दिया है। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगता है वो जैसलमेर का लगता है जो है 464 किलोमीटर लंबा। और सबसे कम जो बॉर्डर लगता है वो लगता है बीकानेर का, कितना 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर ये जो बॉर्डर है किस जिले का कितना किलोमीटर लगता है ये आपको बिल्कुल कंठस्थ करना पड़ेगा, इसके बगैर आप इससे रिलेटेड प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कई बार एग्जाम आ जाता है कि इनको सुमेलित कीजिए, तो आपको अगर ये याद नहीं है तो आप इनको सुमेलित भी नहीं कर पाएंगे। आपको अगर ये याद नहीं है तो इनको आरोही क्रम में भी नहीं लिख पाएंगे। आपको अगर ये याद नहीं है तो आप इनको अवरोही क्रम में भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये तीनों चीज मैंने अच्छी तरह आपके सामने प्रस्तुत कर दी है कि बॉर्डर पर स्थित जो जिले हैं उनमें किस जिले का जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा है वो है जैसलमेर 464 किलोमीटर, और सबसे कम किसका है बीकानेर का, ये है 168 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सुनिए 4, 26, 23 या फिर 33। दोस्तों इसका सही उत्तर है 23। तो दोस्तों राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 23 है। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान के 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, मतलब राजस्थान के 23 जिलों का बॉर्डर दूसरे राज्यों के साथ में टच करता है। ठीक है, तो ये 23 जिले कौन कौन से वो देखिए। सबसे पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ये राजस्थान के 23 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, दूसरे राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनकी संख्या मैंने आपको बताई 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जो शहर स्थित है वो है गंगानगर। अच्छी तरह याद रखना, जिला नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं शहर। इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे पास में जो स्थित शहर है वो है गंगानगर, और इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे दूर स्थित शहर है वो है बीकानेर। ठीक है, अब अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं ये 23 जिले हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? ऑप्शन है हनुमानगढ़, धौलपुर, झालावाड़ या बांसवाड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर है झालावाड़। अब अपन बात करेंगे कि ये जो 23 जिले हैं इन 23 जिलों में से किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज्यादा है और किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम है। तो देखिए अंतर्राज्यीय सीमा जिस जिले की सबसे ज्यादा है वो है झालावाड़। अच्छी तरह याद रखना, झालावाड़। राजस्थान का
ये जो झालावाड़ जिला है, इस जिले का अंतर्राज्य जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और दूसरा जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है, वो ये है कि राजस्थान के अंतर्राज्य सीमा पर स्थित किस जिले की सीमा सबसे कम है, तो उसका उत्तर आएगा बाड़मेर। देखिए बाड़मेर जो है, बाड़मेर इसकी सीमा लगती है गुजरात के साथ में। बाड़मेर की सीमा जो है ये गुजरात के साथ में लगती है, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो है बाड़मेर। तो ये दो प्रश्न आपको चित्र याद रखने हैं कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है झालावाड़, जिसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है बाड़मेर, जिसकी सीमा लगती है गुजरात के साथ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ऑप्शन सुनिए, गंगानगर व बीकानेर, बीकानेर व बाड़मेर, बाड़मेर व जैसलमेर, या फिर गंगानगर व बाड़मेर। दोस्तों इसका सही उत्तर है गंगानगर व बाड़मेर। तो दोस्तों अगला प्रश्न अपन समझाएं, उससे पहले आपको एक शेर सुनाता हूं, एंजॉय करना। कि बदल दिए हैं हमने अब तुमसे नाराज होने के तरीके, बदल दिए हैं तुमसे अब हमने नाराज होने के तरीके, कि तुमसे रूठने के बजाय, कि तुमसे रूठने के बजाय अब बस थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न अपना है वो ये है कि राजस्थान के ऐसे दो जिले कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी बनाते हैं और अंतर्राज्य बॉर्डर भी बनाते हैं, दोनों के साथ में और बॉर्डर बनाते हैं, और वो दो जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान के गंगानगर और बाड़मेर ये दो ऐसे जिले हैं जिनका बॉर्डर किसी देश के साथ में लगता है तो किसी राज्य के साथ में लगता है। जैसे गंगानगर, तो इसका बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगता है, प्लस इधर पंजाब के साथ लगता है। फिर दूसरा आता है बाड़मेर, तो बाड़मेर का जो बॉर्डर है वो इधर पाकिस्तान के साथ लगता है, और फिर इधर गुजरात के साथ लगता है। तो इसलिए गंगानगर और बाड़मेर ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित दो राजस्थान के जिले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के उभयनिष्ठ जिलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन सुनिए, 4, 5, 6 या फिर 12। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 जिले। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के उभयनिष्ठ जिले। उभयनिष्ठ जिले, उभयनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ जिले। उभयनिष्ठ जिलों का मतलब ये है कि वो जिले जो दो राज्यों के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, जिनका बॉर्डर दो राज्यों से स्पर्श करता है, उन जिलों को बोलते हैं उभयनिष्ठ जिले। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है राजस्थान के? 4। राजस्थान के 4 जिले से हैं जो दो राज्यों के बॉर्डर को स्पर्श करते हैं। अब वो कौन कौन से वो देखिए। सबसे पहले है हनुमानगढ़ का बॉर्डर जो है ये पंजाब हरियाणा दो स्टेटों को टच करता है। इसके बाद में आइए आप, अब आता आपका भरतपुर,
भरतपुर का जो बॉर्डर है ये हरियाणा प्लस यूपी उत्तर प्रदेश इन दो के साथ टच करता है। उसके बाद में आइए धौलपुर, धौलपुर का जो बॉर्डर है ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश एमपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जो है धौलपुर का बॉर्डर टच करता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का जो बॉर्डर है ये मध्य प्रदेश के साथ भी टच करता है प्लस गुजरात के साथ भी टच करता है। तो ऐसे ये राजस्थान के चार जिले हो गए हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। इन चार जिलों का बॉर्डर जो है वो दो राज्यों से स्पर्श करता है। और दो राज्य कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया है। हनुमानगढ़ जो है इसका बॉर्डर पंजाब और हरियाणा दोनों से स्पर्श करता है। भरतपुर जो है इसका बॉर्डर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता है। धौलपुर जो है इसका बॉर्डर यूपी और एमपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है। और बांसवाड़ा का जो बॉर्डर है ये एमपी यानी मध्य प्रदेश और गुजरात से स्पर्श करता है। तो ये चार राजस्थान के उभयनिष्ठ जिले कहलाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा पंजाब को स्पर्श करती है? ऑप्शन है हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या जयपुर। इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन सुनिए, चूरू, अलवर, जयपुर या धौलपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर है धौलपुर। यानी इन जिलों में से धौलपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? ऑप्शन सुनिए, 2, 3, 4 या फिर 6। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 जिले। राजस्थान के 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इनको विस्तार से मैंने आगे आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? ऑप्शन सुनिए, 2, 6, 8 या फिर 10। दोस्तों इसका सही उत्तर है 10। राजस्थान के 10 जिले से हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला जिला नहीं है? ऑप्शन सुनिए, उदयपुर, सिरोही, जालौर या फिर राजसमंद। दोस्तों इसका सही उत्तर है राजसमंद। राजस्थान का राजसमंद जिला जो है वो गुजरात के साथ में सीमा नहीं बनाता है, जबकि दिए गए ऑप्शन में बाकी तीनों जो जिले हैं वो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। और इसको विस्तार से मैंने आगे और समझाया है। दोस्तों अब अपन बात करेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य। राजस्थान की ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है इस सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर 5 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य स्थित हैं? 5। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित 5 राज्य। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में से प्रश्न आ जाता है कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्यों का क्रम है, तो कैसे है? सबसे पहले पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद में गुजरात। दोस्तों अगर अपन इनकी स्थिति को देखें तो देखिए राजस्थान के उत्तर में, स्थित राज्य हैं पंजाब और हरियाणा।
पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान के उत्तर में स्थित है। उसके बाद में आता है उत्तर पूर्व। राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में आता है पूरब, किधर? तो पूरब दिशा में कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजस्थान के पूर्व में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश, एमपी। इसके बाद में आता है दक्षिण पूर्व। देखिए दक्षिण पूर्व, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? तो इसमें आएगा गुजरात और मध्य प्रदेश। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में गुजरात और मध्य प्रदेश आएगा, और राजस्थान के दक्षिण में स्थित राज्य आएगा गुजरात। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्यों की अवस्थिति है। आरपीएससी के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे निम्न में से राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है या कौन से हैं? तो उसमें क्या आएगा? गुजरात और मध्य प्रदेश। इस प्रकार से इनमें से कहीं से भी कुछ भी प्रश्न जो है आरपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। दोस्तों अब अपन बात करेंगे राजस्थान के कौन कौन से जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी दूसरे राज्यों के साथ किन किन जिलों का बॉर्डर स्पर्श करता है। तो उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी 23। देखिए राजस्थान के 23 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, जिनका बॉर्डर दूसरे राज्यों के बॉर्डर से स्पर्श करता है, उनकी संख्या है 23। तो अब अपन एक एक करके देखेंगे ये जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य हैं पांच, इन पांच राज्यों से राजस्थान के कौन कौन से जिले जो हैं वो अपनी सीमा बनाते हैं वो अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले पंजाब। देखिए पंजाब, देखिए पंजाब से राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान के दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है ये पंजाब से सीमा बनाते हैं। अब अपन बात करेंगे हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा के साथ में राजस्थान के कितने जिलों का बॉर्डर लगता है? सात जिलों का बॉर्डर लगता है। अब ये सात जिले कौन कौन से हैं? देखिए आप, सबसे पहले हनुमानगढ़, उसके बाद में चूरू, उसके बाद में झुंझुनू, इसके बाद में सीकर, इसके बाद में जयपुर, इसके बाद में अलवर, इसके बाद में भरतपुर। ये सात जिले हैं। देखिए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये कितने जिले हो गए? सात जिले हो गए। इन सात जिलों की सीमा हरियाणा को स्पर्श करती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के दो जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? दो जिलों की सीमा लगती है, और वो दो जिले कौन कौन से हैं? एक भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर, इन दो जिलों की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। अब अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश की। देखिए एमपी के साथ में
राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, तो इसमें देखिए धौलपुर, इसके बाद में करौली, इसके बाद में सवाई माधोपुर, इसके बाद में बारा, इसके बाद में झालावाड़, इसके बाद में कोटा, इसके बाद में भीलवाड़ा, इसके बाद में चित्तौड़गढ़, इसके बाद में प्रतापगढ़, इसके बाद में बांसवाड़ा, यानी मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिलों की सीमा लगती है। और 10 जिले कौन कौन से हैं वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है गुजरात। देखिए गुजरात के साथ में राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो इसमें आएगा 6 जिले। राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा गुजरात के साथ में लगती है। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं, इसमें नंबर 1 बांसवाड़ा, उसके बाद में आएगा डूंगरपुर, इसके बाद में आएगा उदयपुर, इसके बाद में आएगा सिरोही, इसके बाद में आएगा जालौर, और इसके बाद में आएगा बाड़मेर। तो देखिए कितने जिले हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी राजस्थान के ये 6 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, जिनकी सीमा, जिनका बॉर्डर गुजरात राज्य के साथ में लगता है, ठीक है। तो इनमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्लस ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य के साथ राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करती है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज्यादा 10 जिलों की सीमा जो है वो स्पर्श करती है, ठीक है। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, आपको ये चीजें जो है अच्छी तरह से याद करनी है। और याद करने का तरीका ये है कि ये मानचित्र जो है आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जिला जो है वो कहां पर स्थित है, तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो सही प्रकार से दे सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है। ऑप्शन सुनिए, पाली, नागौर, जयपुर या फिर अजमेर। दोस्तों इसका सही उत्तर है पाली। दोस्तों पाली एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों को छूती है। इसको आगे मैंने समझाया विस्तार से। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ऑप्शन सुनिए, 4, 8, 23 या फिर 33। दोस्तों इसका सही उत्तर है 8 जिले। राजस्थान के 8 जिले जो हैं वो अंतर्वर्ती जिले हैं, और इन जिलों की सीमा न तो किसी दूसरे राज्य के साथ में स्पर्श करती है और न पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है। दोस्तों अब अपन बात करेंगे राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों का मतलब ये है कि वे जिले जो किसी भी अन्य राज्यों के साथ में और सीमा नहीं बनाते हैं, जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ में स्पर्श नहीं करती है, वो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की जो संख्या है वो है 8।
राजस्थान में 8 जिले हैं वो अंतर्वर्ती जिले हैं, और ये 8 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, राजसमंद, बूंदी, दौसा, टोंक, नागौर, जोधपुर और पाली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये राजस्थान के 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं, मतलब इनकी सीमा न तो किसी राज्य को स्पर्श करती है और न किसी देश को स्पर्श करती है, ठीक है। मतलब न तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में इनका बॉर्डर लगता है और न इधर पाकिस्तान के साथ में इनका बॉर्डर लगता है। तो ये 8 हो गए अंतर्वर्ती जिले, इनसे भी संबंधित परीक्षा के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और इससे रिलेटेड दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो क्या है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करती है, राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर आएगा पाली। राजस्थान का पाली एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा यानी 8 जिलों को स्पर्श करती है। पाली जिले की सीमा सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करती है यानी 8 जिलों को स्पर्श करती है। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से दो जिले भौगोलिक रूप से दो स्थानों पर स्थित हैं? ऑप्शन सुनिए, अजमेर चित्तौड़गढ़, अजमेर राजसमंद, राजसमंद उदयपुर या अजमेर और नागौर। दोस्तों इसका सही उत्तर है अजमेर और चित्तौड़गढ़। ये राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो भौगोलिक रूप से दो स्थानों पर स्थित हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकीकरण के पश्चात बनने वाले जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सुनिए, 5, 6, 7 या फिर 8। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 7। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान में नए जो जिले बने हैं अब तक वो 7 जिले बने हैं। राजस्थान में वर्तमान में कुल 33 जिले हैं जिनमें से 7 जिले जो हैं वो राजस्थान के एकीकरण के पश्चात बनाए गए थे, और ये कौन कौन से हैं इसकी लिस्ट आपके सामने आगे दी गई है। तो दोस्तों ये आपके सामने उन 7 जिलों की लिस्ट है जो राजस्थान के एकीकरण के बाद में बनाए गए थे। राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं और 33वां जो जिला है वो है प्रतापगढ़, जिसका निर्माण 26 जनवरी 2008 में किया गया था। इससे पहले 27वां जिले के रूप में धौलपुर का निर्माण किया गया था, 28वां जिला बना था बारां, 29वां जिला बना था दौसा, 30वां जिला बना था राजसमंद, 31वां जिला बना था हनुमानगढ़ और 32वां जिला बना था करौली। इस प्रकार से टोटल 7 जिले राजस्थान के एकीकरण के पश्चात बनाए गए थे, और वर्तमान में राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है वो 33 है। दोस्तों मेरा ये राजस्थान जीके का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज़्यादा भयानक होती हैं।